हेलो हेलो। तो रिसेंट में मैंने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है और इसमें अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लगने वाला है, बट मेरे को यहाँ पे एक फार्म की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि मेरे को बहुत सारे यहाँ पे वेदर स्केलेटन हेड चाहिए। तो मैंने सोचा जब मैं ये फार्म बनाया रहा तो क्यों ना अब तक का सबसे बेस्ट वेदर स्केलेटन फार्म यहाँ पे बनाया जाए। तो ये वाला लिटरली बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अमेजिंग होने वाला है, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है क्योंकि जो हम ये फार्म बनाने वाले इसके लिए यहाँ पे एक परफेक्ट यहाँ पे फोर्ट्रेस चाहिए और ये बिल्कुल भी यहाँ पे आसान नहीं होने वाला। तो सीधे यहाँ पे अपने काम पे लगते हैं। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक फोर्ट्रेस ढूंढना है और मेरे बिल्कुल पास में एक यहाँ पे फोर्ट्रेस तो है, बट ये फोर्ट्रेस हमारे यहाँ पे काम में नहीं आने वाला है क्योंकि हमें एक ऐसा फोर्ट्रेस चाहिए जो कि यहाँ पे सूर सेंड में हो और उसके साथ ही ये लावा हुआ तो बहुत ज्यादा अच्छा हो क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ज्यादा यहाँ पे वेदर स्केटर यहाँ पे स्पॉन हो सकते हैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। हाय। तो मैं वैसे यहाँ पे फोर्ट्रेस ढूंढने यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ जो कि मेरे लिए यहाँ पे आसान हो और सोल सेंड वैली में हो ताकि उसे बनाने में यहाँ पे आसान हो। तो ये वाला तुम्हारे यहाँ पे काम नहीं आने वाला, तो आगे यहाँ पे चलते हैं और आई डोंट थिंक कि मेरे को ये आसानी से इतना यहाँ पे मिलने वाला है। ये भाई मेरे को यहाँ पे नेदर का सबसे बेकार भाई लगता है, यहाँ पे कुछ भी एक खास यहाँ पे नहीं मिलता है और अगर यहाँ पे मिलता भी तो किसी काम का नहीं होता। और यहाँ पे मेरे को एक फोर्ट्रेस मिला भी था और मेरे ये किसी काम का नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे वेदर स्केलेटन बहुत ही कम स्पॉन होते हैं, बट यहाँ पे कुछ हुए भी तो मैंने यहाँ पे कोशिश करा कि काश मुझे यहाँ पे कोई हेड मिल जाए तो वो अच्छा हो जाएगा, बट यहाँ पे मेरी किस्मत इतनी अच्छी यहाँ पे थी नहीं और उल्टा और मैं यहाँ पे मरते मरते यहाँ पे बचा था, यहाँ तक कि मेरा यहाँ पे टोटम भी यहाँ पे एक पॉप हो गया था। और ये बिल्कुल भी यहाँ पे एक अच्छी स्टार्ट तो है नहीं, स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे टोटम फूट चुका है तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा। और जैसे ये प्रोजेक्ट यहाँ पे है और जैसे ये फार्म बनने वाला है मुझे लगता है ये बहुत सारे टोटम यहाँ पे फूटने वाले हैं। मैं इसके बाद यहाँ पे निकल जाता हूँ अपने फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए और यहाँ पे मुझे एक भी यहाँ पे अच्छा फोर्ट्रेस यहाँ पे नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ पे मेरे को एक और फोर्ट्रेस यहाँ पे मिला और ये मुझे नहीं लगता कि किसी काम का होने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे एबेशन भी यहाँ पे देखता हूँ, ये भी हमारे काम नहीं आने वाले। भले मैं यहाँ पे कुछ लूटता नहीं हूँ बट यहाँ पे एक काम है मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता हूँ और इसमें वाकई काफी मजा आता है। मगर क्यों? तो यहाँ से मैं निकलने के बाद यहाँ पे अपने फोर्ट्रेस यहाँ पे ढूंढना चालू कर देता हूँ और जैसा मैं ढूंढ रहा हूँ तो वहाँ पे नहीं मिल रहे होते, कुछ अलग बायोम में होते हैं तो कुछ यहाँ पे अलग एंगल में होते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ एबेशन में मिलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे काम नहीं आने वाले, बट जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे अभी तक यहाँ पे नहीं मिल पाया था। आज ही यहाँ पे तीसरा दिन है और अभी तक मेरे को फोर्ट्रेस नहीं मिला है। मुझे लगा था ये सबसे आसान काम होगा और यही सबसे ज़्यादा कठिन हो रहा है। तो इसके बाद मुझे लग रहा था कि मेरे को यहाँ पे एक भी फोर्ट्रेस यहाँ पे नहीं मिलने वाला क्योंकि मैं बहुत देर से यहाँ पे ट्राई कर रहा था, बट फाइनली मुझे यहाँ पे एक फोर्ट्रेस मिलता है और ये बिल्कुल वैसे ही फोर्ट्रेस था जैसा मेरे को यहाँ पे चाहिए था। नीचे यहाँ पे लावा भी था और ये सोल सेंड वैली में भी था, मतलब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वेदर स्केलेटन यहाँ पे स्पॉन होने वाले हैं। बट यहाँ पे मेरे को बहुत सारे यहाँ पे माइनिंग करना पड़ेगा क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा एरिया है जो कि मुझे यहाँ पे हटाना होगा, बट फाइनली हमें यहाँ पे एक फोर्ट्रेस तो यहाँ पे मिल चुका है तो हमारे इससे यहाँ पे काम तो यहाँ पे हो जाना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे माउंटेन देख सकते हैं इसे मेरे को यहाँ पे हटाना होगा, उसके साथ यहाँ पे जितना भी एरिया है इन सबको भी मेरे को यहाँ पे क्लीन करना होगा। तो बिना किसी देरी के यहाँ पे काम शुरू कर देते हैं और ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अनोइंग यहाँ पे होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉब है ये मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान यहाँ पे करने वाले हैं। वो तो अच्छा था कि मैं यहाँ पे फैट वाले पोशन लेके आया था जिससे कम से कम मैं ब्लेज से तो यहाँ पे बच ही सकता हूँ। मैं फायर का पोशन तो लेके आया पर यहाँ पे ब्लेज ने बिल्कुल परेशान कर दिया है, देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मुझे मारने के लिए। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। पर इनसे यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला, खाली मेरे को यहाँ पे विदर स्केलेटन से यहाँ पे बच के रहना होगा कि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरनाक हो जाते हैं और मैं भूल ही रहा था और यहाँ पे विदर स्केलेटन यहाँ पे आ गया तो मेरे को निकलना होगा जल्दी से। तो विदर से तो मैं यहाँ पे बच गया हूँ तो अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मरते मरते बचा हूँ, गास्ट ने अभी यहाँ पे अटैक कर दिया था और यहाँ पे देख सकते हैं एडी का क्या हाल यहाँ पे कर दिया है, बट ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। और सच बताओ तो इसमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टाइम लग गया, मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लग गया क्योंकि फोर्ट्रेस बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ा था और माइनिंग करके मैं बहुत बोर हो गया था तो मैंने यहाँ पे टीएनटी का भी इस्तेमाल किया और इसने मेरी बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प कर दी। अभी देख सकते हैं फोर्ट्रेस यहाँ पे कैसा लग रहा है, बट इस पूरे एरिया को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और ये पूरी तरह से यहाँ पे बदल जाएगा। तो इसे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, 2 से 3 दिन की मेहनत का फाइनली देख सकते हैं जो अपने यहाँ पे फोर्ट्रेस है पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो चुका है और मैं जो फार्म बनाने वाला हूँ वो यहाँ पे आने वाला है और इसी में सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम लगा था क्योंकि यहाँ पे पूरा ये कवर हो रखा था और यहाँ पे माउंटेन भी था। तब मैंने इसे यहाँ पे हटा दिया तो अभी ये हमारे यहाँ पे काम आसान हो गया है। आई थिंक मुझे यहाँ पे पोशन पी लेने चाहिए, पता नहीं क्या हो रहा है, क्रिंज होता जा रहा हूँ मैं। तो ये सब तो यहाँ पे होता रहता है। तो फिलहाल अब अपने यहाँ पे नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं जो कि है स्पॉनिंग पॉइंट को ढूंढना। स्पॉनिंग पॉइंट पे ही सारे मॉब यहाँ पे स्पॉन होते हैं और जहाँ सबसे ज्यादा स्पॉनिंग पॉइंट होंगे मैं वहीं पे फार्म बनाने वाला हूँ। और अब बस मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे मेरे को 2 से 3 घंटे लगा के और बस इस पूरे फोर्ट्रेस को यहाँ पे माइन करना है। हाँ बस यही करना है, कहीं बोर ना हो जाऊं। सो प्लीज अ म्यूजिक। फोर्ट्रेस
फोर्ट्रेस का ऊपरी हिस्सा जितना भी था मैंने माइन कर दिया है। अब मेरे को यहाँ पे स्पॉनिंग पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं, बट इसको मेरे को फाइंड करने के लिए ग्लास की जरूरत पड़ने वाली है और आई थिंक ग्लास मुझे यहाँ से मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ और ग्लास तो यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट अगर यहाँ पे सैंड होगा तो मैं यहाँ पे ग्लास बना सकता हूँ। तो यहाँ चेक कर लेता हूँ और सैंड यहाँ पे, हाँ शायद इतने सैंड से हमारे यहाँ पे काम हो जाएगा। तो इन्हें यहाँ पे स्मेल्ट कर लेता हूँ, तो इन्हें यहाँ पे लगाना शुरू कर देता हूँ जिससे मुझे पता चल सके कि सबसे ज्यादा स्पॉनिंग पॉइंट कहाँ पे है। और ये इतना तो आसान नहीं होने वाला है, यहाँ पे मैं पोशन लाना भूल गया हूँ तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड होने वाला है। क्या माला ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे। और यहाँ पे फिर से मैं मरते मरते यहाँ पे बचा हूँ। मेरे पता नहीं दूसरे या तीसरा टोटम यहाँ पे फूट चुका है। आई थिंक कि मुझे यहाँ पे पोशन लेके आ जानी चाहिए, उसी से मैं बच सकता हूँ और अपने आर्मर मेरे को पहन के रखना चाहिए। तो जितने ग्लास चाहिए मैंने सब यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ से हमें पता चल जाएगा स्पॉनिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। और मैं एक दो जगह पे और ये करने वाला हूँ, बट जब तक हम यहाँ पे स्पॉनिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं तब तक हम एक और काम कर सकते हैं जो कि है पूरे इस एरिया को यहाँ पे स्पॉन प्रूफ करना, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि वरना ऐसे तो ये यहाँ पे अटैक करते रहेंगे। और स्पॉन प्रूफिंग दो चीजों से होती है, या बटन से या फिर स्लैब से। तो मैं सोच रहा हूँ स्लैब के यहाँ पे यूज करूँ क्योंकि बटन बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाते हैं और मेरे पास अच्छे खासे यहाँ पे स्टोन भी है। तो इन सबको मैं यहाँ पे स्लैब में कन्वर्ट करने वाला हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये इनफ होने वाले हैं, तो मेरे को और भी ज्यादा स्टोन चाहिए। तो बाकी स्टोन यहाँ माइन करने की मैं सोच रहा हूँ, तो चलते हैं और इसे यहाँ पे माइन कर लेते हैं और अपने माइनिंग एरिया पे चलते हैं। अरे मैं जा कर रहा हूँ, मैं तो भूल गया मेरा माइनिंग एरिया तो यहीं पे है। तो सीधे यहाँ नीचे चलते हैं और अपने यहाँ पे स्टोन यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बीकन भी लगा रखा है नीचे, तो उससे हमारी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। मेरे को यहाँ पे टॉर्चेस लगा लेने चाहिए, 4 से 5 स्टैक यहाँ पे स्टोन यहाँ पे इनफ होने चाहिए। तो उन सबको मैं यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। वो तो अच्छा है कि यहाँ पे हेस्ट टूल लगाया जिससे यहाँ पे काफी आसानी से यहाँ पे ये माइन हो गए। तो जितने स्लैब चाहिए तो उससे ज्यादा मैं कलेक्ट करके लेके आ चुका हूँ और आई थिंक ये यहाँ पे इनफ होने चाहिए। अब मेरे को ये जितना भी फोर्ट्रेस है इसको यहाँ पे स्पॉन प्रूफ करना है और इसमें वाकई बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि ये फोर्ट्रेस बाहर से दिखने में छोटा लग रहा है बट ये अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बड़ा है। बट अगर आपने इसे यहाँ पे एक बार कर लिया तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि उसके बाद ये बेकार गेम अब यहाँ पे स्पॉन नहीं होंगे। तो इसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और अगर तब तक आपने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जल्दी से क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वाकई बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अमेजिंग होने वाली है। मैं सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो चुका हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ इस छोटा सा प्रोजेक्ट करूँगा बट धीरे धीरे देख सकते कितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग गया। पूरा फोर्ट्रेस मैंने यहाँ पे स्पॉन प्रूफ कर दिया है और अभी यहाँ पे कोई भी मॉब यहाँ पे स्पॉन नहीं होने वाले, जो भी होंगे वो हमारे ग्लास वाले एरिया में यहाँ पे स्पॉन होंगे। बट अभी यहाँ पे काम बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी मेरे को बाकी का एरिया है उसे भी मेरे को स्पॉन प्रूफ करना है। फोर्ट्रेस के बाहर के एरिया भी मैं स्पॉन प्रूफ करने वाला हूँ ताकि यहाँ पे अपने फार्म में ज्यादा ज्यादा यहाँ पे मॉब स्पॉन हो सके। और मेरे पास यहाँ पे जितने भी स्लैब थे सब खत्म हो गए थे तो मुझे यहाँ पे घर जाना पड़ा था और यहाँ से मेरा घर यहाँ पे काफी ज्यादा दूर है क्योंकि मेरे को एक स्टैक से ज्यादा यहाँ पे रॉकेट यहाँ पे इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए इसमें और भी ज्यादा यहाँ पे टाइम लग रहा है। बट अभी यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आई डिड इट, यस, हाँ 2 सेकंड में मैंने कर दिया। आपके लिए 2 सेकंड, मेरे लिए पता नहीं कितने ज्यादा यहाँ पे घंटे लगे बट उसके बावजूद मैंने इसे पूरी तरह से यहाँ पे स्पॉन प्रूफ यहाँ पे कर दिया है। एंड एक्चुअली ये थोड़ा यहाँ पे आसान था बल्कि यहाँ पे फोर्ट्रेस को स्पॉन प्रूफ करना यहाँ पे ज्यादा कठिन था। बट अभी हमारा पूरी तरह से यहाँ पे स्पॉन प्रूफ यहाँ पे हो चुका है तो मतलब यहाँ पे सारे मॉब यहाँ पे अपने क्लास वाले एरिया में स्पॉन होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सर्कल बनाया है इसके अंदर जितने भी स्पॉनिंग पॉइंट है वही हमारे यहाँ पे काम आने वाले हैं और इसके बाहर जितने भी यहाँ पे स्पॉनिंग पॉइंट है वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो मुझे उन्हें भी यहाँ पे हटाना होगा। और एक्स्ट्रा ग्लास मैंने इसलिए लगाए थे ताकि मुझे यहाँ पे पता चल सके ज्यादा ज्यादा स्पॉनिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो वहाँ सेंटर में हमारे यहाँ पे ज्यादा स्पॉनिंग पॉइंट है तो इन सबको मैं यहाँ पे हटाने वाला हूँ। तो हमारा फार्म यहाँ पे लगभग बनके तैयार हो चुका है। अब मेरे को एक पिगलिन चाहिए क्योंकि अपने पिगलिन से यहाँ पे वेदर स्केलेटन यहाँ पे उसकी तरफ यहाँ पे जाएंगे और अपने किलिंग चेंबर में जाएंगे। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला। ये छोटे से यहाँ पे अपना बदला लेने आया था। फिलहाल अपने काम पे लगता है मैं कुछ ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट यहाँ पे हो रहा हूँ। मुझे यहाँ पे पिगलिन चाहिए वो भी स्वॉर्ड के साथ और यहाँ पे मुझे मिले भी थे बहुत सारे पिगलिन बट इन सब के पास यहाँ पे क्रोसबोज है। मेरे को स्वॉर्ड वाले यहाँ पे पिगलिन चाहिए और इनसे मेरे को यहाँ पे बच के भी रहना होगा क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज करते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आगे चले जाता और तभी मेरे को पिगलिन मिलता है और ये मेरे को 2 स्वॉर्ड में मेरे यहाँ पे टोटम यहाँ पे पॉप कर देता है और मैं यहाँ से जल्दी से यहाँ पे निकलता और मेरे यहाँ पे क्या हो गया था, मेरे लाइटर भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा था। मैं काफी यहाँ पे डर गया था कुछ समय के लिए। एक्चुअली मुझे यहाँ पे मरने का डर नहीं है बट अगर मैं यहाँ पे मरता हूँ मेरे सारे एक्सपी यहाँ पे चली जाएगी और इतनी एक्सपी कलेक्ट करना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ी देर बाद मेरे को यहाँ पे और पिगलिन यहाँ पे मिल जाते हैं और मैं पहले इन सबको यहाँ पे मारने वाला हूँ। जो मेरे काम के मैं उसी को यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो अपने यहाँ पे पिगलिन यहाँ पे आ चुका है, मेरे को इसे यहाँ पे लेके जाना है। वो तो अच्छा है कि मेरे पास यहाँ पे बोट्स है तो इससे मैं यहाँ पे आसानी से लेके यहाँ पे जा सकता हूँ और इसको लेके मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और इसके लिए मैं नेमटैग भी यहाँ पे लेके आया हूँ तो इसे यहाँ पे भीम नाम रख देते हैं। बस अब मेरे से ये मत पूछना कि मैंने इसका नाम ये क्यों रखा है। तो जब तक हमारे यहाँ पे भीम वेट कर रहा है तो अपने यहाँ पे किलिंग चेंबर बना लेता हूँ। क्लीन चेंबर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, हर फार्म में इसे यहाँ पे बनाया जाता है तो मैं इसे यहाँ पे बना लेता हूँ। तो अपना सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस अब मेरे को अपने भीम को यहाँ पे लेके आना है और इस ग्लास के ऊपर यहाँ पे रखना है, कुछ हो ना जाए भीम को बस। और ये अगर ये मर गया तो बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी।
तो वहाँ पे कुछ नहीं मांगा है उसे, जो भूल जाओ ऐसा तो कोई मैं लाया नहीं था। ये हमारा न्यू भीम है और ये असली वाला भीम है, इसने देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन कलर भी पहन रखा है, तो मतलब ये असली भीम है। वो हमारा नकली भीम था तो उसे भूल जाते हैं, तो इसे यहाँ पे रख देता हूँ। और ये नहीं मरना चाहिए, बस इससे कुछ नहीं होगा। तो इसी के साथ अपना भीम अपनी बिल्कुल सही पोजीशन पे यहाँ पे आ चुका है। अब मेरे को बस इससे यहाँ पे लीश हटानी है और बाकी अपना फार्म यहाँ पे अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगा। अपने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डन हो चुका है, बस एक और चीज़ रह गई है जो कि ये ग्लास बाकी है, इन सब को हटाना है। और देख सकते हैं स्केलेटन यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे स्पॉन हो रहे हैं, तो सोच सकते हो कितने सारे यहाँ पे विदर स्केलेटन मेरे को यहाँ पे हेड मिलने वाले हैं। और ये मेरा यहाँ पे क्लिंग चेंबर है जहाँ पे मैं यहाँ पे वेट करूंगा, यहाँ पे एफके कर सकता हूँ। और मैंने इसे चारों तरफ से यहाँ पे कवर कर दिया जिससे यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। इसमें अपना ट्राइडेंट यहाँ पे डाल देते हैं और अपना क्लिंग चेंबर यहाँ पे तैयार हो चुका है। और सब मेरे को यहाँ पे ये ग्लास पेंस यहाँ पे हटाने हैं, उसके साथ अपनी ये फार्म पूरी तरह से वर्किंग हो जाएगा। और जब तक मैं ये काम करता हूँ हम एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं जो कि अपने सब्सक्राइबर को यहाँ पे सॉर्टर देना। तो आज के यहाँ पे सबसे पहला सॉर्टर जाता है वर्म को, थैंक यू फॉर सपोर्ट। इनको यहाँ पे नेदर स्टार बनना था तो इन्हें यहाँ पे सॉर्टर मिल चुका है। उसके साथ अपने सेकंड सॉर्टर के लिए मेरे को थोड़ा यहाँ पे दूर जाना होगा। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने यहाँ पे गोल्डन विलेज में और एक सब्सक्राइबर ने हमें यहाँ पे विलेजर बनने के लिए बोला था, तो इन्हें यहाँ पे हम सॉर्टर दे देते हैं। इसके साथ आपको भी यहाँ पे सॉर्टर मिल चुका है। अगर आपको भी यहाँ पे सॉर्टर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्या बनना है, आपको सॉर्टर मिल जाएगा। तो सीधा अपने फार्म पे चलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ पे देख सकते हो 3-4 विदर स्केलेटन यहाँ पे एक साथ यहाँ पे स्पॉन होने लगे हैं, मतलब अपना फार्म यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अपने यहाँ पे सेफ जोन में यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे मैं एफके करने वाला हूँ। और मैं बहुत कम समय के लिए यहाँ पे एफके करूँगा, मुश्किल से एक मिनट एफके करूँगा और देखते हैं यहाँ पे कितना हमें विदर स्केलेटन हेड मिल सकते हैं। और यहाँ पे मुझे 5 विदर स्केलेटन हेड यहाँ पे मिल चुके हैं और यहाँ पे मैंने मुश्किल से एक मिनट भी एफके नहीं किया है। तो सोच सकते हो अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पे एफके करूंगा तो यहाँ पे कितना कुछ मेरे को यहाँ पे मिलने वाला है। और इसी की हेल्प से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। और आज तो मैंने मुश्किल से 10 से 15 यहाँ पे फोर्ट्रेस यहाँ पे लूटे हैं, पर आपको क्या पता है मैंने 100 से ज्यादा यहाँ पे एनसीटीज यहाँ पे लूटी है। और अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे क्लिक कर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय।